श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले राम भक्तों की पहली कड़ी में हमने पूज्य संत अभिराम दास, कृष्ण करुणाकर नायर, परम पूज्य देवराह बाबा, महंत रामचंद्र दास परमहंस और महंत अवेद्यनाथ जी के बारे में जाना। इस दूसरी कड़ी में आइए जानते हैं श्री राम जन्मभूमि मुक्ति संघर्ष के प्रमुख चेहरों के बारे में, जिनका स्मरण किए बिना यह संघर्ष गाथा अधूरी है। बाला साहब देवरस। पूज्य बाला साहब देवरस जी 1973 से 1994 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय सरसंघचालक रहे। उनके नेतृत्व में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निर्णय लिया था कि संघ और संघ के स्वयंसेवक सक्रिय रूप से श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में सहभाग करेंगे और संघ इस आंदोलन में अंतिम पड़ाव तक सक्रिय रहा। स्वयं सेवकों द्वारा प्रांतीय स्तर पर अनेक संगठनों की स्थापना की गई थी। बाला साहब ने वरिष्ठ प्रचारक देकर उन सबको अखिल भारतीय रूप दे दिया। श्री राम मंदिर आंदोलन के दौरान हिंदू शक्ति का जो भव्य रूप प्रकट हुआ, उसमें इन सभी संगठनों के काम और प्रभाव की व्यापक भूमिका रही। अशोक सिंहल। श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन के सूत्रधार और आजादी के बाद देश की विराट हिंदू एकता के रणनीतिकार थे। वे 20 वर्षों तक विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख रहे। 1942 में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बने। अयोध्या में ताला खुलने से लेकर विवादित ढांचा गिराए जाने तक इस आंदोलन के केंद्रीय पुरुष वही थे। अशोक जी ने ही 1989 में श्री राम मंदिर शिलान्यास के लिए कामेश्वर चौपाल का नाम चुना था, जिसके बाद राम मंदिर की नींव के लिए कामेश्वर चौपाल ने पहली ईंट रखी थी। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया। रज्जू भैया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चौथे सरसंघचालक थे। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए रज्जू भैया जीवन पर्यंत संघर्षरत रहे। 1983 में कांग्रेस से अलग थलग कर दिए गए कुछ वरिष्ठ कांग्रेसियों के साथ रज्जू भैया ने एक बैठक की। इसमें इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर हिंदुओं के तीन धार्मिक स्थलों मथुरा, काशी और अयोध्या की पुनर्स्थापना पर उन्होंने जोर दिया। श्री होंगसंद्र वेंकटरमैया शेषाद्री। श्री होंगसंद्र वेंकटरमैया शेषाद्री श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का प्रमुख चेहरा थे। 1983 में जब श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को गति देने के लिए प्रथम एकात्मता यात्रा आयोजित की गई, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी शेषाद्री जी को दी गई। 6 दिसंबर 1992 को शेषाद्री जी बाकी नेताओं के साथ अयोध्या में ही मौजूद थे। संघ की ओर से पहली बार श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का संचालन शेषाद्री जी ही कर रहे थे। वे कई भाषाओं के ज्ञाता थे। जब कार सेवक विवादित ढांचे पर चढ़ गए तो हालात बेकाबू होता देख शेषाद्री जी ने हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं में कार सेवकों से लौट जाने की अपील की, लेकिन कार सेवक नहीं माने। शेषाद्री जी ने 1998 में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को हिंदू पुनर्जागरण आंदोलन का नाम दिया। मोरोपंत पिंगले। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आद्य सरसंघचालक डॉक्टर हेडगेवार जी के हाथों गढ़े गए स्वयंसेवक मोरोपंत पिंगले जी अयोध्या आंदोलन के शिल्पी थे। उन्होंने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को राम शिलाओं के जरिए घर घर तक पहुंचाया। पिंगले जी ने एक रणनीति के तहत अयोध्या में प्रस्तावित श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 3 लाख ईंटें भारत के हर गाँव में पुजवाई, फिर गांव से तहसील, तहसील से जिला, जिले से राज्य मुख्यालय होते हुए ये शिलाएं अयोध्या पहुंची। शिला पूजन, शिलान्यास,
चरण पादुका, राम ज्योति यात्राएं सब पिंगले जी के दिमाग की उपज थी। मोरोपंत पिंगले जी के काम की शैली थी सूत्रधार की भूमिका में रहना, कोई श्रेय न लेना, सभी कुछ रचना लेकिन दृष्टि से ओझल रहना। विष्णु हरि डालमिया उद्योगपति होने के साथ साथ हिंदुत्व निष्ठ नेता थे। वे साल 1992 से 2005 तक विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष रहे। 1985 में जब श्री राम जन्मभूमि न्यास की स्थापना की गई, तो विष्णु हरि डालमिया को इसका कोषाध्यक्ष बनाया गया। 6 दिसंबर को विवादित ढांचा ढहाए जाने के 2 दिन बाद यानी 8 दिसंबर को उन्हें लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंहल के साथ गिरफ्तार किया गया। श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति एवं राम काज के लिए जिन्होंने तन मन धन के साथ अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया, ऐसे मौन तपस्वियों को कोटि कोटि नमन।